नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज तहसील कांठ के उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता व सीओ डॉक्टर गणेश गुप्ता कुमार गुप्ता ने उमरी नगर पंचायत व कांठ के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जिससे चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही भ्रमण कर उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने अनुशासी अभियंता को व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित थाने से पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं मीडिया से बात करने पर उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप बताएं कौन से क्षेत्र में कितने वोट हैं। देखिए, आज नगर पंचायत चुनाव के मद्देनज़र आज मैंने और एसडीएम साहब ने संयुक्त रूप से मतदान केंद्र और उसके वहां उपस्थित जो बूथ हैं उनका भ्रमण किया। थाना कांठ में जो नगर पंचायत है उसमें 10 मतदान केंद्र हैं और 24 बूथ हैं, और जो उमरी कला है नगर पंचायत वहाँ पर 8 मतदान केंद्र हैं और 14 बूथ हैं। इसमें कुछ संवेदनशील हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ अति संवेदनशील हैं। तो अति संवेदनशील और HS प्लस जो बूथ हैं उनके लिए जो है थाने को निर्देशित भी किया गया कि उसके आसपास के जो भी खुरापाती लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पाबंदी की कार्रवाई की जाए, जिससे चुनाव जो है शांतिपूर्ण सम्पन्न हो सके। जो बूथ हैं उनका निरीक्षण किया गया कि पब्लिक के आने जाने के रास्ते कौन से हैं, कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाओं में कमी है उसके लिए निर्देशित किया गया सबको, और अच्छे से चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास। सर, कौन से स्थान पे कितने बूथ हैं, जानकारी है? हाँ, मैंने बता दिया आपको, उमरी कला जो नगर पंचायत है वहाँ पे 8 मतदान केंद्र और 14 बूथ। जैसे कौन से स्थान पे कितने बूथ हैं वो हम आपको लिस्ट अलग से दे देंगे। सर, आज नगर पंचायत कांठ और नगर पंचायत उमरी में बूथों का निरीक्षण किया गया है, तो कौन कौन से स्थान पर कितने बूथ हैं, बताएं। देखिए, आज का जो निरीक्षण हुआ ये संयुक्त रूप से हुआ है। मैं और सीओ साहब दोनों ने सभी बूथों पे देखा, जो बेसिक वहाँ पे जो नेसेसिटी होती है, जैसे रैंप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है ना, वहाँ पे पोलिंग पार्टी के बैठने की जगह है कि नहीं है, है ना। बूथ मतलब कुल मिला के वहाँ पे वो पोल डे वाले दिन काफ़ी सुचारू रूप से चले, एक तो ये देखा गया। दूसरी चीज़ जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो संवेदनशील, कितना संवेदनशील है, सामान्य बूथ है, संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, अति संवेदनशील प्लस है, तो इन कैटेगरी को हमने देखा और जो है एनालिसिस किया। तो हमने उसमें कैटेगरी भी निर्धारित किया कि कौन से सामान्य में रखेंगे हम, कौन से संवेदनशील में रखेंगे, कौन से अति संवेदनशील में रखेंगे और संवेदनशील प्लस में रखेंगे। तो कौन से नगर पंचायत में कितने बूथ हैं? अगर आप कांठ में देखेंगे तो 33 बूथ हैं यहाँ पर, अगर उमरी कला की बात करेंगे तो 14 बूथ हैं यहाँ पर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।